फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो इसके टोटल जो है 11 मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमने इस चैप्टर में प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें मोशन में जो पार्टिकल है उसको डिस्क्राइब किया था। और मोशन में पार्टिकल्स को हमने डिस्क्राइब किया था इन अ स्पेस और ए स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज़ है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी की ज़रूरत होती है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी चीज़ को रखने के लिए हमें कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर है? उसके बाद हमारे आता है कि जैसे हम कोई फुटबॉल है वो रेस्ट पे है, अगर हम उसको किक करते हैं तो वो मूव होता है। कोई स्टोन है उस पर हम अपवर्ड पुश लगाते हैं तो ही वो जो है अपवर्ड जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम जब वो रेस्ट पे है उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं खुद से तभी जो है वो मोशन में जाता है। मतलब ये एक्सटर्नल एजेंसी है। एक्सटर्नल एजेंसी जब हम लगाते हैं तभी कोई चीज़ जो है वो मोशन में जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान सकते हो कि एक्सटर्नल एजेंसी होगी क्या हमारे पास? एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स लगाते हैं तभी कोई चीज़ जो है वो मोशन में जाती है। जैसे हम हैंड्स हैं हमारे, विंड है, स्ट्रीम है, तो ये कॉन्टैक्ट आती, ये सभी जो है बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है तभी जो है कोई चीज़ जो है मोशन में आती है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत हो। जैसे हम मान सकते हैं एक टॉप पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से जब हम पत्थर को नीचे गिराते हैं तो वो पत्थर नीचे आता है बाय अ ग्रेविटेशनल पुल। और एक बार मैग्नेट है तो वो आयरन नेल को डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें कोई भी हमने एक्सटर्नल एजेंसी जो है यूज़ नहीं की। क्लियर है? तो अभी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक्सटर्नल एजेंट होता क्या है? एक्सटर्नल एजेंट वो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो चेंज करता है, टेंड करता है टू चेंज ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाता है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है। क्या? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और ये बॉडी के बाहर से काम करता है, आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी जो काम कर रही है, वर्क कर रही है, उसको चेंज कर देता है। और उसके साथ साथ ही उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी चेंज होती है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स फैलेसी। तो एरिस्टोटल्स फैलेसी क्या थी? एरिस्टोटल को एक भ्रम था कि अगर कोई चीज़ जो है रेस्ट में है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यही था एरिस्टोटल्स फैलेसी। थर्ड हमारा कीवर्ड है द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है हमारा फर्स्ट जो लॉ है मोशन का, उसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमारे इसाक न्यूटन जी है उन्होंने दिया था। तो इसके बारे में हमारे पास नॉलेज ये है कि किसी चीज़ की, बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए, रेजिस्टेंट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा जो है रेजिस्टेंट लगेगा उसकी मोशन को चेंज करने के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसको कम जो है उसको लगेगा रेजिस्टेंट चेंज करने के लिए उसकी मोशन। क्लियर है?